नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये एलीट i20 है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्पार्क प्लग को कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले स्टॉप कवर को रिमूव करना है, जिसके लिए हम 8 नंबर का स्पैनर यूज करेंगे। कवर को रिमूव कर दिया गया है। इसमें 4 इग्निशन कॉइल है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है। दोस्तों इग्निशन कॉइल निकालने के लिए इसको आपको ऊपर की तरफ पुल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर निकलने में थोड़ी दिक्कत करे तो आप इसको थोड़ा घुमा के ऊपर की तरफ पुल कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना कि जो इसकी केबल है आप इसको डैमेज कर दें। आपको बहुत प्यार से और थोड़ी सी ताकत के साथ निकालना है। स्पार्क प्लग को निकालने के लिए 16 नंबर की सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ये स्पेशल टूल है खास तौर पे स्पार्क प्लग को निकालने के लिए, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और स्पार्क प्लग को निकालने के लिए हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये स्पार्क प्लग चैंपियन कंपनी का है और ये प्लैटिनम स्पार्क प्लग है। इसी तरीके से बाकी के स्पार्क प्लग निकालेंगे। प्लैटिनम स्पार्क प्लग ऑर्डिनरी स्पार्क प्लग से थोड़े महंगे और इनकी लाइफ उनसे ज़्यादा होती है। इन स्पार्क प्लग को मैं WD-40 से क्लीन करूँगा। WD-40 से कैसे क्लीन करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है और मैं इसका लिंक वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। इन स्पार्क प्लग की जो टिप होती है वो थोड़ी सी पतली होती है अगर कंपेयर करें ऑर्डिनरी स्पार्क प्लग से, इसलिए जब भी आप इनको क्लीन करें तो थोड़ा ध्यान से क्लीन करें। दोस्तों स्पार्क प्लग क्लीन करने के बाद फिर से मैं इन स्पार्क प्लग्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ।
स्पार्क प्लग क्लीन करने के बाद इंजन स्टार्ट करके देखते हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत माइनर सा मुझे नॉइज़ में डिफरेंस लग रहा है। और दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।